Good morning, this is Amarjot Singh and I'm talking from Canada. I'm talking to Simar in India. Simar line pe judi hui hai aur ye Haryana ko belong karti hai, Kurukshetra se. Aur inke saath kuch problem aisi hui hai, inhone admission liya Grant McEwan University mein, Canada mein study visa ke liye. Lekin samay rehte inko pata lag gaya ki ye course unke liye faydemand nahi hai. और इन्होंने स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं किया, लेकिन $18,000 जो दिए थे यूनिवर्सिटी को वो यूनिवर्सिटी वाले डकार गए, वो मतलब वापस नहीं कर रहे। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जितना भी ये धंधा है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, बहुत ही मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ 95 to 96% यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कैनेडा में ये दुकानदारी है। इनका ग्राहक जो है वो प्राइमरली इंडिया, चाइना, फिलीपींस, यहाँ के स्टडी वीज़ा के एप्लीकेंट्स हैं, जिनसे ये 3 गुना ज़्यादा ट्यूशन फीस वसूलते हैं। यही कोर्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में करोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन कनाडा पीआर के लोग आते हैं। और अगर मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ, कैनेडियन रेजिडेंट हूँ, मेरे से एक तिहाई ये कॉस्ट लेते हैं, जो कि सिमरन ने एक साल का $18,000 पे किया। और इनको ये पता लग गया है कि भाई ये इंडिया के जो लोग स्टूडेंट हैं इतने डेस्परेट हैं, किसी ना किसी कीमत पे, किसी ना किसी डेस्परेशन पे ये लोग बाहर जाएंगे और पैसे तो देंगे, अपफ्रंट पैसे देंगे। अगर स्टडी वीज़ा नहीं लगता है तो ये आनाकानी करते हैं कि भाई पैसा हम क्यों लौटाएं, हम देश से लौटाएंगे, करेंसी एक्सचेंज का फ़र्क हो गया तो वहाँ से पैसे कट जाते हैं, फिर एजेंट बीच में बैठे हैं, उनकी कमीशन मारी जाती है। इस करके ये एक बार जो इंडिया में मैं देखता हूँ ना कि उस लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, बस वही चीज़ है, एक बार पैसे अंदर आ गए फिर पैसे उनको छुड़ाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुतों के पैसे फंसे हुए, कुछ होके मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके, हो गए। आओ देखते हैं कि सिमरन की कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, इनका क्या हो सकता है और वो क्या हम पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिमरन आप ये बताएं, अगर आप बताना चाहते हैं तो कहानी बताएं, आई नो यू ट्राइंग टू बी एनोनिमस, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आप किसके पास गए हरियाणा में और उन्होंने आपको क्या प्रॉमिस किया और पैसे का क्या डीलिंग थी, ये बताएं। सर, मैंने इमिग्रेशन गुरु पे कांटेक्ट किया था तो उनकी बातों से ये लगा था कि देवर प्रोवाइडिंग मी द राइट कोर्स, बट जब मुझे इन डिटेल पता चली इन बिटवीन वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस से पहले, तो मैंने वो अपना प्रोसेस स्टॉप पे डाल दिया था कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं अपना टाइम भी लगाऊंगी, मनी भी लगाऊंगी और उसका मुझे कोई आउटपुट ना मिले तो मैं ऐसे रिस्क लूंगी ही क्यों। बट इन रिटर्न एजेंट वॉज लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आई वॉज सेइंग कि अगर क्रेडिट पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट करने के लिए। बट इनडायरेक्टली देवर लाइक कि आपको रिफ्यूजल लेना पड़ेगा, उसी के बाद हम आपका पैसा रिफंड करवा सकते हैं, डिडक्ट करवा के $1,000 कैनेडियन। बट आई वॉज लाइक मैं वीजा रिफ्यूजल लूँ ही क्यों, क्यों मैं अपनी पासपोर्ट पे एक नेगेटिव अटेम्प्ट दिखाऊं कि आई वॉज गॉट रिजेक्टेड फॉर द वीजा प्रोसेस ऑफ द कैनेडा। इस बात को एग्जैक्टली सर 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, मैंने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे भी बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया कि मुझे मेरा ट्यूशन फीस का रिफंड मिल जाए, बट एट द एंड मेरे पास सॉल्यूशन मैं इधर उधर ढूंढती रही और लोगों से भी मैंने एजेंट से बात करी, इन बिटवीन मैंने डाला भी है किसी को कि मुझे मेरे रिफंड मिल सके अमाउंट ट्यूशन फीस का जो है $18,000 कम नहीं है। बट इन द प्रोसेस मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो इन्होंने प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस अपने लिए डाले हुए हैं कि हम आपको पैसा रिफंड तब देंगे जब आप रिफ्यूजल लोगे और उसमें से $1,000 अलग से डिडक्ट होंगे और करेंसी कन्वर्जन भी होएगा, टैक्सेस भी होंगे इन द हैंड, कि मैंने वो 12.5 लाख अप्रोक्सीमेट भरा हुआ, मुझे शायद 11 लाख मिले। इस डर से मैं थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ कि नहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, बट एट द एंड मेरे पास सॉल्यूशंस के बजाय मुझे पेशेंस रखना पड़ रहा है कि कब पैसे रिटर्न आएंगे। और जो एजेंट है करनाल वाला, दे आर लाइक मे बी आपके पैसे पता नहीं कितने डिडक्ट होकर आए, अगर आप रिफ्यूजल लोगे तो 1,000 आएगा, उनको मजा आएगा कि मेरे पासपोर्ट पे नेगेटिव स्टैंप लग गई है। और दूसरी तरफ दे आर लाइक अगर रिफ्यूजल नहीं लेते हमें क्या पता कितने डिडक्ट होके वो दे, $2,000 काटे, $3,000 काटे, जितने मर्जी काटे, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप अपने आप करो। ये बताएं तो कि जो आपने, ये बताएं पहले एक मिनट थोड़ा सा, ये बताएं पहले कि आपने जो पैसे यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किए आपने अपने अकाउंट से करे थे कि एजेंट ने अपने अकाउंट से करे?
सर ये पैसे एजेंट ने मुझे एक सीसी अकाउंट बताया था, उसके अंदर ट्रांसफर किए थे, उसके बाद आगे फर्दर ट्रांसफर हुए थे यूनिवर्सिटी को। सीसी अकाउंट मतलब दोबारा से क्लियर करें, व्हाट इज सीसी अकाउंट? करंट अकाउंट उन्होंने बताया था जिसके अंदर से वो आगे ट्रांसफर करेंगे यूनिवर्सिटी को। वो अकाउंट किसका था? वो अकाउंट किसके नाम पे था? सर वो अकाउंट इन्हीं का आई थिंक सो कोई ब्रांच थी फॉरेन बैंक से रिलेटेड। बट इट वॉज द नेम ऑफ दैट एजेंट, नॉट ऑन यू. आपके नाम का अकाउंट थोड़ी था वो. नहीं सर मेरे नाम पे नहीं था देखिए वो अकाउंट। आप इतनी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये में क्यों करते हैं लोग, स्टूडेंट स्पेशली पंजाब हरियाणा के, क्यों करते हैं कि अगर आपको पैसे देने हैं यूनिवर्सिटी के तो आप अपने अकाउंट से क्यों नहीं भेजते डायरेक्टली, जो भी सिस्टम है, सर आप किसी एक्चुअली के बात थर्ड अकाउंट से क्यों भेजते हैं? ये आ जाती है कि मैं आपको इसका भी रीजन बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास वहां से ऑफर लेटर आया था तो मैंने 1,000 कैनेडियन डॉलर्स भेजने थे। मैंने अपने कार्ड से पेमेंट करने की ट्राई करी बट 2-3 बार रिफ्यूजल हो गया। तो मैंने उन्हीं से इमिग्रेशन वालों से कांटेक्ट किया, देवर लाइक कि आपके वहां से एरर आएगा, होगी नहीं, तो आप हमें ट्रांसफर करो, हम आगे पेमेंट करवा देते और आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो आई वाज लाइक ओके कि कुछ होते होंगे ऑप्शंस। अब हमें ये नहीं पता था कि उन लोगों का डेली बेसिस का ये काम है ऐसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के फिर फर्दर पेमेंट करवाना। इस आते वजह से जाते आते आते हम पूरे जाते प्रोसेस। जाते जाते कुछ ना कुछ आप कुछ ना कुछ पैसे कुतर लेते हैं, जैसे चूहे कुतर लेते हैं उसमें. हाँ जी अभी आप ये बताएं कि आपने जो पैसे जो ट्रांसफर किए थे अपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर, उसकी आपके पास रसीदें हैं, उसकी उसकी प्रूफ ऑफ वो है उसका? सर एग्जैक्टली मेरे पास सारा प्रूफ है। ठीक है. थर्ड पार्टी अकाउंट में आपने जमा किए, कितने जमा किए? 18,000. कितने जमा किए आपने? 18,000 कैनेडियन डॉलर्स नहीं, इंडियन करेंसी में बताया ना कितने किए आपने? इंडियन करेंसी में इट वाज अप्रोक्सीमेट 12 लाख 12,51,000। अच्छा. उसके बाद वही पैसे एजेंट के थ्रू आगे ट्रांसफर होके यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तो ठीक है, चलो ये भी बात समझ आ गई. अब ये बताएं दूसरा कि जीआईसी का क्या चक्कर है? जीआईसी आपने सीआईबीसी बैंक में खोली थी, वो भी आपने डायरेक्टली करा कि एजेंट के थ्रू करा? सर ये सारा प्रोसेस एजेंट के थ्रू ही चल रहा है। मैडम ये बताएं कि जीआईसी तो एजेंट की जरूरत होती ही नहीं होती. बेचारा आई एम सरप्राइज कि आपको उनकी तरफ से करना पड़ा. जीआईसी तो लोग ऑनलाइन डायरेक्टली अपने आप कर लेते हैं, कि वहां भी कोई चक्कर है? सर इन्होंने मुझे एक जो मैंने बोला था करंट अकाउंट दिया था वहीं से सारे ट्रांसफर्स हुए हैं। तो जब मेरा जीआईसी का मैंने अपने बेसिस पे रिफंड लिया तो वो जीआईसी का रिफंड का अमाउंट भी मुझे ऐसे डिडक्ट होके मिला है कि उन्होंने बोला ये करेंसी रेट वो अपने अकॉर्डिंग बनाकर सेंड करते हैं, इतना ही आया बेशक चेक कर लो, बट वो करेंसी रेट इतना फ्लक्चुएट तो नहीं होता कि 40,000 रुपये या 45,000 रुपये सीधा डिडक्ट हो जाए। 45,000 रुपए डिडक्ट हो गए और जीएसटी वो वापस आ गया, लेकिन 45,000 इज गॉन. अच्छा, यस सर तो ठीक है, मैं समझ गया. अब आपने ये जो इमिग्रेशन एजेंट के साथ आप जब आपने उनको हायर किया था काम कर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका आपके साथ कोई ईमेल है, कोई ऐसे कोई रिकॉर्ड है जिससे कि आप पता लगे कि कोई लीगल कोई है कार्रवाई, जिससे ये पता लगे कि आप उनको बोल रहे हो कि हमारे आप रिप्रेजेंटेटिव बनके ये सब काम करें, ऐसा कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट? उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे पास एक ग्रुप बनाया था एडमिशन ऑफ सिमरनमन चंदा के नेम से, वो चैट मेरे पास पड़ी हुई है। नहीं, चैट पे अगर अगर आपको कंप्लेन करनी है, मेरा जो घूम फिर के जो मेरा कंक्लूजन घूम रहा है ये है कि आपके साथ जो भी कोई फ्रॉड हुआ है या एटलीस्ट अनफेयरनेस या इनजस्टिस हुआ है, तो उसको आपको एक पुलिस की कंप्लेन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए. तो जो भी आप कंप्लेन करेंगे तो आपके पास कोई सबूत होगा, तभी तो आप आगे प्रोसीड उस कर पाएंगे. तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि हमने इन पार्टी को हायर किया था, ये टर्म्स कंडीशन उन्होंने कहा है कि ये हम करेंगे और ये हमारे पास सबूत हैं पैसे देने के. तो उससे आपका एक लीगल बेस बनेगा कि भाई पैसे तो जो जो 18,000 डॉलर का जो इक्वलेंट है वो आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है, यू आर हैंडिंग ओवर मनी टू देम नॉट टू द यूनिवर्सिटी. और दूसरा जो जीआईसी का जो आपने था उसके भी जो इक्विवेलेंट जो है 10,000 डॉलर के आपने उनको हैंड ओवर किया. तो अब इसमें अगर रिफंड होता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने लिखा था कि भाई इतना काट के आपको मिलेगा या नहीं लिखा था? अगर लिखा था तो वो लिखित में होना चाहिए, रिटर्न में देखना चाहिए कि क्या लिखा था. और अगर नहीं लिखा था तो ये स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाएगा, ये पुलिस एफआईआर कटेगी इसकी और आगे कोर्ट में जाएगा कि भैया आप बताओ कि आपने नहीं लिखा था तो आपने ये किस बेस पे काट दिया. अगर आपको पता था कि ऐसे कटेंगे
डिड यू इन्फॉर्म द कंज्यूमर के 45,000 तक कर सकते हैं और तब आपको ये 10,000 वापस मिल जाए, ऐसी का तो आपका एक केस बनता है। तो ये मेरे हिसाब से तो आपको केस करना चाहिए इसका भी। और दूसरा ये जो मेरी आपको जो जो सजेशन है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मशवरा मेरा ये है कि जो ग्रांट मैक्यूनी यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी एक दुकानदारी है, ये नहीं चाहते कि वो 18,000 आपने 2-3 महीने से रखे हैं उनके, तो वो तो इंटरेस्ट खा रहे हैं बैठ के, उन्हें क्या जल्दी है। ऐसे तो पता नहीं हज़ारों उन्होंने स्टूडेंट पकड़े होंगे कहाँ कहाँ से और फीस लेके बैठे हैं, वो दबा के बैठे हैं, तो वो नहीं चाहते कि जल्दी से उनको करें, क्योंकि इसमें एजेंटों की कमीशन होती है, कुछ कोई फीस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस बड़ा वाला उल्टम पटरम कुछ ना कुछ होता है, तो वो नहीं चाहते कि एकदम आपको करें। तो जब हम ये केस करेंगे, जब पुलिस रिपोर्ट बनेगी, तब जाके हम यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डालेंगे, भैया आप बताओ कि आपके एजेंट ने, जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया आपकी यूनिवर्सिटी को, उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करी हैं, तो ये आपका कोई ना कोई अथॉरिटी होगी तभी तो आप वो कर रहा है, तो आप नहीं तो अगर आपको अगर ये नहीं करता तो हमें आपको बारे में पता कैसे चलता कि हमें आपके पास करना नहीं करना। तो ये आपके आपने आपने जो ये खराबी करी है थ्रू योर एजेंट, तो इसमें हम उस पर दबाव डालेंगे कि भैया आप पैसे वापस करो, नहीं तो फिर हमारे पास फिर वो दूसरा। एक्चुअली बात ये आ जाती है, जिसका पैसा होता है उसको दुख होता है, ठीक है। अब मैं 2-2.5 महीने से आराम से बैठी हूँ कि पैसे हैं, किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, पंगा नहीं करना, गलती मेरी नहीं है। अब ये तो गाइड करने वाले को पता होना चाहिए हम किसका क्या बेनिफिट उठा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैं जिस पर्पज से आ रहा हूँ वो पर्पज मेरा फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं नहीं जाऊँगा क्यों इसीलिए, अपना कोई अरे तो इसी इसीलिए तो इसलिए तो आपका कंप्लेन करना बनता है। एजेंटों जितने भी कोई देखिए, एवरीथिंग इज अ बिजनेस, जो एजेंट हो, स्टडी वीजा कंसल्टेंट हो, ये हो, लॉयर्स हो, मैं भी हूँ, आई मीन एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी, बट लेकिन फेयरनेस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन रिटन टर्म्स एंड कंडीशन। प्रॉब्लम आपके साथ ये है और बहुतों के साथ ये होती है, आपके पास कोई रिटन कोई टर्म्स एंड कंडीशन कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैं कई बार लोगों को कह चुका हूँ, भाई किसी के पास भी आप जाते हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कंसल्टेंट कुछ है, आपके पास रिटर्न में क्या है? आपने रिटर्न में कोई साइन करवाया कि ये शर्तें हमारी हैं? कोई रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन कराना चाहिए आपको? अभी अभी देखिए, उन्होंने आपको मना कर दिया कि आप करना है जो जो मर्जी करना कर लो, और आपके पास कुछ पता ही नहीं आपको करना क्या है, और ना आपकी कोई सुनने वाला है। अगर आप पुलिस के पास जाओगे, कंप्लेंट लिखोगे, कुछ एविडेंस होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता, तो उसके साथ तो आगे बनता नहीं। फिर भी आप कंप्लेन करो, और उसके बाद कंप्लेन करके आप उनको गुरुजी को बता देना कि भैया आपकी कंप्लेन हो गई है, अगर आप बताएं आप पैसे वापस आप करना है नहीं करना है, तो नहीं कर रहे हैं तो इसके हम आगे का स्टेप लें। जो इंसान ये कहता है ना, उससे बड़ी मेरे खुंदक चढ़ जाती है। जो इंसान ये कहता है ना कि जो आपको करना है कर लो, तो इससे पता लगता है कि वो कितना बड़ा अहंकार है कि भाई पैसे आपने मार लिए, किस हिसाब से मारे, क्या है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पहले आप लिख के दे देते कि भैया आपका केस अगर हम वापस करेंगे GST तो आप 45,000 तक काटेंगे, वो आपने बताया नहीं, अब आपने काट लिए। तो इसके हिसाब से आप पहले कंप्लेन करें, और फिर हम यूनिवर्सिटी को हम कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनको आप प्रेशर करते हैं ये कि आप कि पैसे वापस करें। वो करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे, पहले भी किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। उन पर थोड़ा सा हथौड़ा दूसरा मारना पड़ता है, छोटे छोटे उससे नहीं है, सिर पे हथौड़ा मारना पड़ता है तब वो करते हैं, ऐसे जल्दी नहीं करते। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि आपको कैनेडा का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कराना, वो चाहते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई करें, रिफ्यूज़ हो, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वीज़ा मिल गया तब तो और वापस नहीं करेंगे। कनाडा वीज़ा अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिफ्यूज़ हो जाएंगे, अगर आपको वीज़ा मिल गया तो फिर और भी उनको चक्कर पड़ जाएगा, लो जी आपने तो वीज़ा भी ले लिया, आप वापस क्यों करेंगे? तो अच्छा किया आपने, ये आप भाग्यशाली हैं और आपने मेरे से सलाह ले ली, आप बिल्कुल भी कनाडा वीज़ा अप्लाई ना करें, और क्योंकि दूसरी कंट्री का आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पर इसका कनाडा के रिफ्यूज़ का फ़र्क पड़ सकता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप वाला जाएंगे तो वहाँ पर कनाडा की रिफ्यूज़ल लग जाएगी और पंगा पड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल मना कर दें कि वो है नहीं करेंगे, और आप एक छोटा सा ना एफिडेविट बना लें, आप 100 रुपये का, 200 रुपये का, जो एक एडवोकेट से होता है ना आपका, जो वकील बनाते हैं, उस पर एक स्टैचुरी डिक्लेरेशन कर दें कि मैं कनाडा वीज़ा नहीं अप्लाई करूँगी, स्पेशली जो ग्रांट मैक्यून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है इसमें तो कभी नहीं करूँगी, और ये मेरा मतलब वो है हलफनामा है कि मैं नहीं अप्लाई करने वाली, तो वो कर लें। ये एक रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट आप कर लें, और दूसरा एफिडेविट बना लें, बाकी काम मेरा है, बाकी काम फिर हम यूनिवर्सिटी को फिर हम कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये जो पुलिस रिपोर्ट को देकर आप उनको गुरुजी को बता दें कि भाई गुरुजी ये आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, अब आपको जो भी कुछ होगा, आप जो है कचहरी में होगा, अब तो कचहरी बाजी होगी, फिर वो होगा वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप उसमें आए, आप ऐसे मुंह जबानी बात नहीं होगी, आप
कोर्ट में आए, और कोर्ट में स्मॉल क्लेम में कोर्ट में आए या दूसरे कोर्ट में आए, वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पैसे बनते हैं देना नहीं बनता है। जज विल डिसाइड, नॉट मी एंड यू। ये बात है। और बताएं, और क्या आपको पूछना है मेरे से, और क्या आपके मन में क्या संशय है जो मैं आपको दूर कर सकता हूँ आज? सर बस मुझे एक्सपीरियंस ही हुआ है, जो एक्सपीरियंस पैसे देकर थोड़ा लॉस आकर हुआ है कि ब्लाइंडली किसी भी फील्ड में एंटर करो, हम एक सर्च आउट तो करते हैं, अपने बेसिस पे रिसर्च करते हैं, बट फिर भी लूपहोल्स में इतने लोग बैठे हैं जो आपको मिसगाइड ही करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। जी, और रिसेंटली ये एक बहुत फेमस एंटरप्राइज एक किस्म का रन हो रहा है, हम चैलेंज नहीं कर सकते, कई लोग जा भी रहे हैं वहां पर, बट एट द एंड वी आर इंडिविजुअल। एक होता है कि एज अ, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर कोई बॉय होता वो जाकर लड़ भी लेता अच्छी तरह और पीछे पड़ के पैसे कहीं ना कहीं निकलवा लेता। मैं गर्ल हूँ तो मेरे को सोचना भी पड़ता है कि फैमिली है, फालतू कोई बात ना हो, तो इट्स बेटर कि शांत होके बैठ जाते, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। एक पेशेंसली बैठना भी बहुत मुश्किल है, और दूसरा ऐसे सिचुएशन मिल जाए तो सब पे डाउट होता है कि कहीं दूसरा कोई इंसान हमें किसी गलत चीज में ना फंसा दे, फिर से हम लॉस में ना चले जाएं। अरे 12 लाख फंसे हुए हैं, कोई छोटी अमाउंट है ये? चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे समाज हो, क्या है 12 लाख को कमाना? मतलब कि कितने साल लग जाएंगे इसको रिकवर करने के लिए? 12 लाख तो उसने, सेव करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। पर ये आपके साथ नहीं है। मैं किस किस का नाम लूँ? मैं नाम ले ले के मैं थक जाऊंगा। बहुतों का नाम मेरे पास रोज ही ऐसे आते हैं लोग शिकायतें वाले कि ये इतने पैसे ले गया, उतने पैसे ले गया, उतने पैसे ले गया, ये कॉलेज ने ये वापस नहीं करे, वो नहीं वापस करे। वो तो आराम से, कॉलेज वाले तो कनाडा में आराम से बैठे अपनी गद्दी में बैठ के मस्तियाँ कर रहे हैं। उन्हें क्या पता है कि एक गाँव में लड़की बैठी है वहाँ पर जी पंजाब में, उसके पास पैसे गए तो पैसे, उन्होंने आपने फ़ोन करना है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाना है, वो कहते हैं आई एम बिजी, क्रिसमस हॉलीडेज, कॉल मी बैक नेक्स्ट मंथ, ब्ला ब्ला ब्ला। ईमेल्स का भी रिप्लाई नहीं देता, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कितना बड़ा होता है, ये थोड़ी ना कि उसके अंदर 4-5 इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे, पूरा एक एम्प्लॉयज का स्टाफ होता है, बट वो ईमेल्स का रिप्लाई ऐसे नहीं करते। और उन्होंने पैसे लेने हो तो हमें बाय मेल्स पे मेल्स डालेंगे, अब हमने पैसे अपने रिफंड करवाने हैं तो मेल्स का भी नहीं रिप्लाई करते। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही बात पे आपने चोट मारी है कि जब बंदा लेनदार होता है ना, जब लेना होता है तब खटाखट आपके मैसेज वो सुनेगा, जब देना है तो कहेगा सॉरी आई एम बिजी, इट्स माय लंच टाइम, इट्स माय ये टाइम, आई डोंट हैव टाइम और समथिंग, गेट बैक टू यू, व्हाटएवर। तो गरीब आदमी का जो पैसा है, खून पसीने की कमाई है, उसको लेकर आप बैठे हो अपनी गद्दी पे, मतलब इट जस्ट वेरी अनजस्टिफाइड एंड अनफेयर सिस्टम। और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि आपका पैसा, आप ये दो काम करें, आपका पैसा इसके बाद आई थिंक रीजनेबली विद इन 2 वीक्स आपको मिल जाना चाहिए, और जितनी जितनी मेरी मेरी कोशिश होगी मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बता दी, आपको जस्ट इन केस अगर कोई सुन रहा हो मेरी बात और सोच रहा हो कि मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, क्योंकि हर एक आदमी फ़ायदे के लिए करता है, मेरा फ़ायदा इसमें इस पैसों में कुछ नहीं होने वाला। और क्योंकि आपने तो मेरे को कंसल्टेशन, आपने मेरे को सलाह की, पैसे दे चुके, आई एम ओके, मैं थोड़े पैसों में खुश हूँ, मेरा दाल रोटी चल रही है। इसके अलावा मेरे को आपसे कोई और पैसे नहीं चाहिए कि 12 लाख आपको मिल जाए जी, हमें कोई कमीशन नहीं दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो आपके जितने भी पैसे आपको मिल जाते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आपको देगी, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि वो मेरे को देंगी जब अमरजोत ने पीछे खा लिया, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है ना किसी एजेंट, तो वो डायरेक्टली उनका जो आपका रबता डायरेक्टली वहाँ से होगा, तो वो आपको जितने मिले वो आपके हैं। बाकी I will try to do my best. I will call the university myself. I will email the university. I'll tell you कि किसको email करके क्या कहना है, वो सब काम मेरा है, वो मैं आपको करूँगा। और बड़ी खुशी होगी कि आपको पैसे आपकी जेब में मिल जाए। तो ये आप दो काम करें और फिर मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर लें 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद, जब भी आपका हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर दें, करना क्या है आपको? पहली बात तो ये है कि आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट सबूत इकट्ठे करके अपनी पुलिस में रिपोर्ट करनी है, FIR। डरने की जरूरत नहीं है, आप पुलिस में जो भी आपका थाना है रखे रिपोर्ट करें, और उसकी रिपोर्ट की कॉपी एक रखें तैयार होकर PDF बना के वो रखें। और दूसरा ये है कि आप एक अपने किसी लोकल एडवोकेट से एक हलफनामा ले लें, जो 100-200 रुपये 500 रुपये का स्टैम्प पेपर भी ले लें कि भाई ये मेरा नाम है और मैं जो कहते हैं ना, मैं सौगंध खाती हूँ कि मैं कैनेडा का वीज़ा नहीं अप्लाई करूँगी, और स्पेशली ग्रांट यूनिवर्सिटी का लेटर उस पर तो कभी नहीं करूँगी। तो उनको हम यूनिवर्सिटी को बताएंगे भाई आपका फ़ायदा नहीं लेने वाले, आप पैसे वापस करो,
ये दोबारा आपके उसने वो नहीं करने वाले, तो वो उन दोनों को लेके आगे हम लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर। और बताएं सिमर, और कोई सब ठीक है? आपके फादर वगैरह भी यही राय रखते हैं, पेरेंट्स वगैरह के उनकी राय मुख्तलिफ है? सर मैं तो थोड़ा आराम से, चलो कोई गलती भी हुई है तो टाइम लगता है, सही हो जाती है, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। देयर लाइक अगर गलत को एक बार सुनोगे तो वो आज तुम्हें दबा रहा है, कल 10 को और दबाएगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो वो पहले से इसी हक में थे कि हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर मुझे होता है कि इसमें कहीं हमारा लॉस ना हो जाए कि हमने इन फ्यूचर कभी मूव आउट करना हो कहीं पे बाहर, तो किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया साइड या कहीं और, तो हमें वहां पे प्रॉब्लम ना हो कि इन लोगों का ग्रुप ऐसा बना होता है, अरे इस बारे में सोचकर थोड़ा रुक जाते हैं। ये कोई हिंदी में जो बोलते हैं, ये कोई बकैती है, कोई दादागिरी है कि भाई यहाँ से जो भी वीज़ा लेके जाएगा उनके जाल से निकल के ही जाएगा वीज़ा, वहाँ तब तक तो लग नहीं सकता। अगर आप किसी और कंट्री जाते हो, कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, या यू नो प्रीटी मच इवन फॉर कैनेडा, अगर किसी और, जैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा किसी और जाता है, ये थोड़ी कि भाई अगर फलाने एजेंट ने वहाँ पर टोल टैक्स लगा दिया रोड पे, वहाँ से निकल के पहले टैक्स अगर नहीं दोगे तब तक वो वीज़ा दूसरा नहीं लगेगा। ये कौन सी कहाँ की बात होगी? अपने फादर को आप लेके जाएं और उनके आशीर्वाद के साथ जाएं और पुलिस कंप्लेन करें और उसके वो फाइल बनाएं और फिर आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर। गुड लक।